कानपुर में दिखी पुलिस की इंसानियत। लॉकडाउन में पुलिस ने बांटी सब्जियां, पहली बार दिखी यूपी पुलिस की मानवता। बिठूर, स्वरूप नगर, रावतपुर और कोहना में हुई डोर टू डोर डिलीवरी। सूचना मिलने के बाद में एसपी पक्षम ने बयान दिया, लॉकडाउन के दौरान बेहतर तरीके से सिस्टम को लागू किया जाएगा। आप बिल्कुल भयभीत ना हो, किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई है। आपको प्रत्येक दिन ये सामान आपके दरवाजे को उपलब्ध मिलेगा। आप बिल्कुल की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, तो वो लगातार पुलिस इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करवाने की कोशिश कर रही है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार एक वॉरियर की तरह पुलिस की टीम मैदान में उतरी हुई है और आपको सजग कर रही है और ये तमाम जरूरी सामान अपनी निगरानी में आपके घरों तक पहुंचा रही है। अश्वनी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, एक अच्छी तस्वीर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सहयोग की देखी गई कि लगातार लोगों को रोकने से लेकर उनके घरों तक सामान मुहैया कराने तक पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर मुस्तैद है। बिल्कुल कहना चाहिए, जिस हिसाब से पुलिस का मानवता वाला चेहरा सामने निकल के आया है कि इस घड़ी में जहाँ पे पूरे 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया है पूरे शहर को और पूरे यहाँ तक पूरे देश को, ऐसे में जिसमें पुलिस की इंसानियत देखी है कि उन्होंने बिठूर या जो एसपी पश्चिम है डॉक्टर अनिल कुमार, उन्होंने पूरे अपने जो सर्किल में उनके जो सर्किल में थाने आते हैं उसमें बिठूर, स्वरूप नगर, रावतपुर और कोहना में डोर टू डोर की सब्जियों की डिलीवरी शुरू कर दी है। साथ ही साथ एसपी पश्चिम का कहना है कि कल से वो जितने भी उनके सर्किल में जो थाने आ रहे हैं उनमें सब में ये इस तरीके की सब्जी को लेकर के डोर टू डोर और इसके साथ ही साथ राशन की भी अगर जरूरत पड़ती है तो लोगों तक घर तक मुहैया कराया जाएगा। चलिए अश्वनी, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।